हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतो वायरस स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यार मैं फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूं फ्रेंड। और यार फाइनली यहां पे गाइस यार आप लोग देख सकते हो क्रू चैलेंज का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है गाइस। और यार मैं आप लोग को इस वीडियो में गाइस एक एक करके पूरा यार एक्सप्लेन करूंगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। और साथ में गाइस यार आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे यार आप लोगों को काफ़ी सारे रिवार्ड मिलेंगे, खास करके यार आप लोगों को रिनेम कार्ड। तो गाइस यार आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि यार आप लोगों को अच्छे से प्रोसेस समझ में आ सके। और गाइस यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार बोलना चाहूँगा कि क्या आपको भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे सब्जेक्ट में डाउट आते हैं? अगर आते हैं तो अभी गाइज आप लोग डाउटनट ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पे गाइज आप लोग सिंपली क्वेश्चन को अच्छे से खींच लो और गाइज यार आप लोगों को सिंपली अच्छे से क्रॉप कर लेना इस तरह से गाइज। और यहाँ पे आप लोग को आराम से इस तरह डाल देना और गाइज यहाँ पे आप लोग को 2 सेकंड के अंदर में गाइज यहाँ पे आप लोग का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर डाउट है तो अभी डाउटनट करो और गाइज यार लिंक एंड डिस्क्रिप्शन जल्दी से जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो। सोके गाइज यार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने से पहले गाइज यार यहाँ पे सेटिंग्स के बगल में जो एरो गाइज वहाँ पे लेके चलता हूँ गाइज, बताता हूँ कि क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप लोग का रजिस्ट्रेशन करना क्रू चैलेंज में। क्योंकि यार यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला यार आप लोग का क्रू शॉप है जहाँ पे गाइज आप लोग आराम से यहाँ से चाहो तो क्रू मतलब जो रिनेम कार्ड गाइज वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और साथ में गाइज यार यहाँ पे जैसा कि यार आप लोग को मैंने बताया था कि क्रू वेरिफिकेशन का एक न्यू फीचर आया जहाँ पे गाइज आप लोग को यहाँ पे वीकली एक टाइटल प्लस गाइज यहाँ से आप लोग को क्रू पॉइंट मिलेगा। तो गाइज यार इस कारण से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप लोगों का क्रू चैलेंज में रजिस्टर करना। तो गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो मैं सीधा आ चुका हूँ क्रू चैलेंज में। और गाइज यहाँ पे क्रू चैलेंज में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो गाइज आप लोग को सीधा यहाँ पे अब यार यहाँ पे मतलब क्लिक हो जाएगा। और गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्रू चैलेंज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा यार आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यार आप लोगों को कैसे कैसे मतलब यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और साथ में गाइज यार यहाँ पे आप लोगों को जो भी रिवार्ड्स है या फिर यार रूल्स है या फिर गाइज आप लोगों का जो टाइमिंग है मतलब कब आप लोग का स्टार्ट होगा, कब आप लोग का यार यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है, कैसे क्या चीज़ करना पड़ेगा, सब कुछ एक एक करके मैं आप लोग को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो गाइज यार यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लेफ्ट साइड में देख सकते हो गाइज आप लोग का रजिस्ट्रेशन इन 13 डेज यानी कि यार आप लोग को 13 दिन अभी आप लोगों के पास और बचा हुआ है। और गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो 17 तारीख यानी कि आज के दिन से ही आप लोग का यार ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जो कि गाइज आप लोग का 3 मई तक गाइज क्रू चैलेंज चलेगा। और गाइज यहाँ पे रिवार्ड्स की बात की जाए तो और यहाँ पे देख सकते हो विनर वाला जो टीम होगा गाइज उसको यहाँ पे एक परमानेंट टाइटल, उसके अलावा 2000 क्रू पॉइंट, उसके अलावा गाइज यहाँ पे एक परमानेंट आउटफिट और यार एक हेड गियर और साथ में गाइज यार यहाँ पे कार 98 का स्किन है जो कि परमानेंट मिलेगा। उसी तरह गाइज यार अगर यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन लाता है तो गाइज उसको यहाँ पे देख सकते हो 1400 यहाँ पे क्रू कॉइन, उसके अलावा गाइज यहाँ पे आप लोग को एक लेजेंडरी वाला टाइटल मिलेगा। साथ में गाइज यार यहाँ पे आउटफिट है, हेड गियर है और एक स्कारल का स्किन है जो कि गाइज काफ़ी ज़्यादा सही है। उसी तरह गाइज यार अगर यहाँ पे रैंक 3 लाते हैं तो गाइज 1000 यहाँ पे आप लोगों को क्रू मतलब जो आप लोगों का चैलेंज कॉइन गाइज वो मिलेगा, उसके अलावा टाइटल मिलेगा, उसके अलावा गाइज यार यहाँ पे आउटफिट और यार यहाँ पे हेडगियर मिलेगा। और गाइज यहाँ पे रैंक 4 से 5 में देख सकते हो गाइज यहाँ पे आप लोग को एक और न्यू आउटफिट है जो कि गाइज ये आप लोग का रैंक 5 या मतलब 4 या 5 में आने से मिलेगा और 700 यहाँ पे आप लोग गाइज कॉइन भी मिलेंगे। उसी तरह गाइज 6 और 10 में आने के बाद देख सकते हो एडोरेबल स्कूल गर्ल सेट मिलेगा। साथ में गाइज यार यहाँ पे आप लोग को 500 जो यार ये क्रू पॉइंट है गाइज वो मिलेगा। तो गाइज बहुत सही है। उसके अलावा गाइज अगर यहाँ पे रूल्स की बात की जाए तो गाइज यहाँ पे मिनिमम आप लोग को 4 से 6 प्लेयर होना चाहिए क्रू के अंदर, तभी गाइज आप लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और गाइज यार जो मेन यहाँ पे आप लोग का लीडर रहेगा गाइज वही यहाँ पे आप लोग का जो गाइज क्रू चैलेंज में रजिस्टर कर सकता है। और गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो आप लोग का जो मतलब यार डेट भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कब कब आप लोग का यहाँ पे मैच होगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को 6 मैच पर डे के हिसाब से होगा और गाइज आप लोग को यहाँ पे 3 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में होगा। उसी तरह गाइज यहाँ पे फिर 10 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल के बीच में आप लोग का मतलब यार ये जो क्वालिफाइंग राउंड है जो टॉप 100 वाला वो होगा। उसके बाद गाइज यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15 तारीख से लेकर 19 तारीख के बीच में 3 मैच पर डे के हिसाब से होगा अगर आप लोग यहाँ पे टॉप 20 में पहुँच जाते हो। उसी तरह गाइज यार यहाँ पे फाइनल देख सकते हो गाइज यहाँ फाइनल में 4 मैच पर डे के हिसाब से होगा और यार ये आप लोग का 24 अप्रैल और 25 अप्रैल के दिन होगा। तो गाइज यार यहाँ पे चलो आप लोग थोड़ा सा और डिटेल में गाइज यार यहाँ पे बताता हूँ, उसके बाद गाइज यार यहाँ पे सिंपली हम लोग रजिस्टर कर लेंगे और गाइज आप लोग को दिखा दूंगा कि कैसे यार यहाँ पे आप लोग रजिस्टर ईजिली कर सकते हो। और गाइज यार यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा पूरा मतलब आप लोग यार यहाँ पे रूल्स भी बताया गया, तो गाइज आप लोग रूल्स यहाँ पे पढ़ लेना। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला आप लोग का रजिस्टर प्रोसेस यानी कि यार आप लोग को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, 13 दिन अभी आपके पास टाइम है। उसके बाद गाइज यार यहाँ पे आप लोग टॉप 100 के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग राउंड खेलोगे जो कि गाइज आप लोग का
3 अप्रैल से स्टार्ट होगा। उसके बाद गया जा रहा है यहाँ पे आप लोग का जैसे टॉप 100 टीम यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद गया जा रहा है टॉप 100 लोग यहाँ पे फाइट करेंगे टॉप 20 के लिए, जो कि गया आप लोग का 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा। उसके बाद गया जा रहा है जो यहाँ से मतलब टॉप 20 प्लेयर जाएंगे तो गाइस वो फाइनल में यहाँ पे मतलब फाइट करेंगे। और गाइस यहाँ पे जैसे मैं क्रू चैलेंज का जो रजिस्टर गाइस वहाँ पे क्लिक किया तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वेरिफिकेशन आप लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस यार यहाँ पे कंप्लीट देख सकते हो वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, यानी कि यार आप लोग यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है गाइस यहाँ पे फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे अगर मान लीजिए आप लोग को वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है तो गाइस यहाँ पे जो भी आप लोग को टास्क बोलेगा वो सिंपली आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ेगा। और गाइस अब यहाँ पे मैं आप लोग को चलो रजिस्टर प्रोसेस बता देता हूँ कि रजिस्टर आप लोग को कैसे करना है। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो गाइस देख सकते हो आप लोग का मैप ऑटोमेटिकली यार यहाँ पे सेलेक्टेड है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को TPP या फिर FPP ये आपको यार यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे सर्वर को आप लोग को ध्यान रखना है कि यार यहाँ पे देख सकते हो जैसे यार ये मिडिल ईस्ट है तो गाइस आपको यहाँ पे अपना जो जहाँ पे आप लोग खेलते हुए जैसे मेरा यार AC है तो आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे जो गाइस सर्वर है उसको सेलेक्ट कर लेना। और गाइस यहाँ पे आप लोग का शेड्यूल भी लिखा हुआ है यानी कि आप लोग हर दिन कितने बजे से मैच स्टार्ट होगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 7:30 से लेके 8:30 फिर 9:30 उसके अलावा गाइस 10:30 और यार यहाँ पे फिर आप लोग देख सकते हो मतलब यार टोटल मिला के यहाँ पे आप लोग पास 6 टाइमिंग है गाइस। ये आपके ऊपर गाइस आप लोग कब फ्री रहते हो उस हिसाब से यहाँ पे आप लोग सिंपली अपना मैच गाइस यहाँ पे खेल लेना। और गाइस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैच कितना खेलना अभी यार फिलहाल तो पबजी वाले ने नहीं बताया तो गाइस इसके बारे में जैसे ही पता चलता है तो आप लोग को मैं बता दूंगा। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो सिंपली यहाँ पे आप लोग को ओके पे क्लिक कर देना। और जैसे यार आप लोग ओके पे क्लिक किए तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर TPP Asia। और गाइस अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कुछ गलती कर देते हो तो यार कोई बात नहीं गाइस यहाँ पे देख सकते हो कैंसिल या रजिस्ट्रेशन करके ऑप्शन दिख रहा है गाइस आप लोग आराम से यहाँ पे कैंसिल कर लेना। अगर गाइस मान लीजिए TPP की जगह FPP हो गया या फिर सर्वर में आपका ACA की जगह कुछ और हो जाता तो कोई बात नहीं गाइस आप लोग दोबारा अगेन गाइस यहाँ पे मतलब 1 या 2 घंटे के बाद अगेन यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो गाइस यार ये बहुत सही प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं गाइस, वन ऑफ द इजीएस्ट यार यहाँ पे आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है गाइस। आप लोग आराम से जाकर जल्दी जाओ और यार आप लोग आराम से जाकर यार यहाँ पे रजिस्टर कर लो। और गाइस अभी आपके पास 13 दिन का टाइम है तो अगर मान लीजिए आपके पास यार यहाँ पे 4 प्लेयर नहीं है तो गाइस आप लोग आराम से 13 दिन के अंदर में यहाँ पे 4 प्लेयर एटलीस्ट गाइस मतलब क्रू के लिए आप लोग खोज लो ताकि यार आप लोग का यहाँ पे क्रू वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाए और साथ में गाइस यार यहाँ पे आप लोग को एक रीनेम कार्ड भी मिल जाए। सो यस गाइस यार बेसिकली यही था जो कि आप लोग को इस वीडियो में बताना था। होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, उसके अलावा चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। उसके अलावा गाइस कोई भी डाउट होगा तो यार आप लोग कमेंट में बताना, मैं गाइस सभी के कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा और रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।